हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो बेटा पिछले लेक्चर में जैसे मैंने बताया था आपको कि इस लेक्चर में आज करेंगे हम आरसी सर्किट के, जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों जुड़े होंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे बेटा, अगर कैपेसिटर भी आ जाए उस सर्किट के साथ जिसमें एक डीसी सोर्स जुड़ा हो तो क्या होगा, कैसे के अंदर उसमें हम कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज, उसमें चार्ज, ठीक है, एनर्जी स्टोर भी पूछ सकता है आपको कि एनर्जी स्टोर कितनी होगी उस कैपेसिटर में, कैसे निकालेंगे। तो देखो पहले उसका कॉन्सेप्ट देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ आरसी सर्किट का, कॉन्सेप्ट ऑफ आरसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों। तो बेटा एक सिंपल से कॉन्सेप्ट आता है, जैसे हमारे पास एक ही कैपेसिटर और इसके साथ एक यहां जोड़ दिया जाए एक बैटरी, ये बैटरी है, ठीक है भाई। उसके बाद में साथ साथ इसकी रेजिस्टेंस लगा देता हूं, मैं रेजिस्टेंस लगा दे रही है, कैपेसिटेंस है सी, रेजिस्टेंस इसका आर और ये वोल्टेज है इसकी बैटरी की वोल्टेज है वी। तो कॉन्सेप्ट ये है, इसके अंदर दो केस होते हैं, एक होती है इनिशियल स्टेट, एक होती है फाइनल स्टेट, एक ऐसा होता है इनिशियल स्टेज या फाइनल स्टेज। तो इनिशियल स्टेट या फाइनल स्टेट का क्या मतलब है यहां पे? इनिशियल स्टेट का मतलब यह है जिसमें आप एक की भी लगा देता हूं, एक की लगा दिया इसमें, एक की है। अगर इनिशियली व्हेन स्विच इज या की इज क्लोज्ड, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे की क्लोज करोगे तो सर्किट से या बैटरी से करंट फ्लो होगा, होगा करंट फ्लो, करंट एंड चार्ज। उसके बाद क्या होगा, कैपेसिटर क्या करेगा, डीसी को यानी चार्ज को स्टोर करेगा, एंड कैपेसिटर स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड इट, उसके अंदर, ठीक है बेटा। अपने अंदर चार्ज स्टोर करेगा, फिर क्या होगा, एक ऐसी स्टेज आएगी जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, व्हेन कैपेसिटर गेट फुली चार्ज्ड, फुली चार्ज्ड, इसके एनर्जी स्टोर क्या हो जाए, मैक्सिमम। तो फुली चार्ज हो गया, जब फुली चार्ज हो जाएगा तो उस स्टेज को बोलते हैं स्टडी स्टेट, या स्टेट को बोलते हैं स्टडी स्टेट, ठीक है। देन दिस स्टेट इज कॉल्ड स्टडी स्टेट, और जब ये स्टडी स्टेट हो, लिखा मिला आपको भी इक्वेशन स्टडी स्टेट में निकालना आपको, तो स्टडी स्टेट में अगर दे रखा हो तो उस टाइम क्या होता है कि इस कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, इस कैपेसिटर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, वो करंट इस सर्किट में कितना हो जाएगा, जीरो, ना रेजिस्टेंस में करंट होगा ना कैपेसिटर थ्रू करंट जाएगा, ठीक है। डीसी सोर्स अगर जोड़ रखा हो तो दिस इज डीसी सोर्स, क्लियर, एंड दिस स्टेट, इन दिस स्टेट देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू कैपेसिटर, थ्रू कैपेसिटर, इस कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो अगर इसके साथ कोई रेजिस्टेंस जोड़ रखा हो सर्किट में तो उस रेजिस्टेंस के थ्रू भी करंट नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके साथ ऐसे रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो करंट इधर से आ जाएगा ऐसे, लेकिन इस कैपेसिटर के साथ में कोई रेजिस्टेंस जोड़ दोगे उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है आरसी सर्किट का, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को जैसे याद रखना, अगर आपसे इतना पूछा जाए इनिशियल करंट निकालना है, तो इनिशियल करंट निकालना है तो कैपेसिटर में अभी क्या नहीं हुआ है, चार्ज नहीं हुआ है, वो चार्ज नहीं हुआ है तो उसके अंदर भी करंट जाएगा, तो रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो उसका भी करंट वहां पे आएगा। तो न्यूमेरिकल में आपको समझा दूंगा मैं। और अगर आपको कहा जाए कि स्टडी स्टेट है
तो स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, तो उसके साथ अगर कोई भी रेजिस्टेंस अगर जोड़ रखा हो तो वो नहीं काउंट होगा, ठीक है। सो मैं के बाद तो ये आरसी सर्किट का सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट, तो उसको नोट कर लें, फिर हम इस पर चलते हैं न्यूमेरिकल लेकर सके कि न्यूमेरिकल कैसे एस्टीमेट। देखो तो जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाए, एक कैपेसिटर दे दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दें, फिर एक कैपेसिटर लगा दें, उसके बाद एक और रेजिस्टेंस लगा देते हैं हम, उसके बाद में एक बैटरी जोड़ देते हैं बेटा, एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं यहां पे, इसकी कैपेसिटेंस C1 मान लेते भाई 2 माइक्रोफेराड है, इसकी कैपेसिटेंस C2 मान लेते 3 माइक्रोफेराड है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है R जिसकी वैल्यू है मान लेते हैं कितनी बेटा 5 ओम मान लेते हैं, ठीक है। ये भी कितना मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं 4.5, ये हो जाएगा 5/2 प्लस यानी कि 2.5 मान लेते इसको, और उसको मान लेते हैं 5 वोल्ट, ये सर्किट मान लेते हैं। और आपसे इसमें क्वेश्चन में पूछा जाएगा बेटा, क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट फाइंड इनिशियल करंट, नंबर टू फाइनल करंट इन द सर्किट, ठीक है। नंबर थ्री आफ्टर स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट चार्ज एंड वोल्टेज, चार्ज वोल्टेज और एनर्जी स्टोर, तुम सारी बात अलग कर दो, तो चार्ज वोल्टेज एंड एनर्जी स्टोर अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर्स, इन दोनों कैपेसिटर में चार्ज वोल्टेज और एनर्जी स्टोर निकालना है। तो भाई ये वही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले आपको कॉन्सेप्ट में बता रहा था। तो कैसे निकालोगे आप इसको, तो सबसे पहले आप ये देखोगे जो इनिशियल करंट की बात आती है, इनिशियल करंट की क्वेश्चन को नोट कर ले अच्छे से, फिर मैं जो डायग्राम बनाता जाऊंगा उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप क्वेश्चन को नोट कर लिए, तो देखो अब आगे नेक्स्ट, जब फर्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि भाई क्या फाइंड करना है, इनिशियल करंट फाइंड करना है, इनिशियल करंट, तो इनिशियल करंट के लिए यानी कि डायग्राम बनाता हूं पहले, उसका मैं क्या बनाएगा बेटा, इनिशियल में सारा का सारा कंप्लीट डायग्राम होगा, कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, कैपेसिटर यहां पे आइडियल कैपेसिटर्स लिए जाते हैं जब तक ना कहा जाए तब तक, इनका रेजिस्टेंस काउंट नहीं होता है, तो इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है यानी फुल चार्ज भी नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी करंट फ्लो करेगा तो ये रेजिस्टेंस भी काउंट होगा, इनका रेजिस्टेंस जीरो, इसका रेजिस्टेंस जीरो, ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, ये रेजिस्टेंस होगा, तो सर्किट इस तरह से बन जाएगी इसकी, इसका रेजिस्टेंस जीरो है, ये रेजिस्टेंस आ गया, कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम है, उसके बाद नीचे वाला रेजिस्टेंस आ गया 2.5, उसके बाद बैटरी है, उसके बाद रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है 5 ओम, ठीक है। अब यहां से करंट फ्लो करे तो कितना करंट आएगा, आई करंट, ठीक है। तो सबसे पहले करंट निकालें, कितनी बैटरी, कितने वोल्ट है 5 वोल्ट है,
करंट निकालने के लिए क्या चाहिए हमें? टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का वो फाइंड करें। तो ये दोनों आपस में इसमें एक काम करो, चलो कर दिया तो कर दिया, एक काम कर लो, इसको पांच, इसको पांच ही मान लो बेटा, प्लीज आसान हो जाए, कोई बात है, और इसको 2.5 कर लो, ऐसे कर रहे हैं, ये 500 थोड़ा उसमें काट के ऐसे कर दिए, तो बताओ कितना हुआ है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे बेटा आपस में पैरेलल, ओके पैरेलल। तो इन दोनों का पैरेलल का रेजिस्टेंस कितना आएगा? 5, और 5 का 5/2, तो इनका बनेगा 5/2। उसके बाद ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस कितना? 2.5, ये भी कितना बनेगा? 2.5। सर्किट से करंट आई, तो आई आ जाएगा वापस, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में क्योंकि एक ही वेज आने का करंट का, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया? 5। तो यहां से जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल वोल्टेज हमारी कितनी है? 5 वोल्ट। तो 5 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है? 5। कितना करंट हो गया? 1 एम्पियर। तो इनिशियल जो करंट आएगा वो कितना आएगा? 1 एम्पियर। क्लियर हो गया फर्स्ट? मीन्स जो इनिशियल करंट की बात करेगा तो जो कैपेसिटर के साथ रेजिस्टेंस है वो भी काउंट होगा। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हो गया, आसान सा है, ठीक है। उसके बाद निकालना है फाइनल करंट। फाइनल करंट कब होता है? आफ्टर स्टडी स्टेट नंबर 2। नंबर टू मीन्स आफ्टर स्टडी स्टेट में क्या होगा कि भाई इसमें करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो ये रेजिस्टेंस भी नहीं आएगा, तो बस ओनली ये होगी, तो ये बचेगा बेटा, ये रेजिस्टेंस कितना है? 5, ये वाला। उसके बाद ये बैटरी और ये हमारा 2.5, ये 5 वोल्ट करंट ये फ्लो करेगा। करंट ये फ्लो करेगा तो इसका दोनों रेजिस्टेंस किसमें है? सीरीज में। तो यहां से सीधा करंट निकाल दें तो ये करंट कितना आएगा? ये करंट आएगा टोटल वोल्टेज डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7.5। कैलकुलेट करो तो आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 75 कितना हो जाएगा? 10। ये कितना हो जाएगा? 15, यानी कि 2/3 आ जाएगा 2/3 एम्पियर। तो आप इस सर्किट में करंट निकाल सकते हैं कितना करंट आएगा? 2/3, एक घंटा के सर्किट में। तो आफ्टर स्टडी स्टेट बोल दें या फाइनल स्टेट बोल दें, उस दोनों के अंदर करंट हमारे पास जो आएगा वो कितना आएगा? 2/3। इसको नोट कर लें, अगले पार्ट में काम आएगा निकालने में, ठीक है। तो ये आगे सेकंड पार्ट का आंसर, करंट हमारे पास आ गया 5/7.5 मीन्स 2/3 एम्पियर, ठीक है, हो गया भाई, चलो याद कर लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है? अब हमें निकालना है चार्ज, वोल्टेज और एनर्जी स्टोर। तो वो इसी से कर लेते हैं। देखो यहां से करंट फ्लो किया था आई करंट, जो कितना है हमारा? 2/3 एम्पियर आफ्टर स्टडी स्टेट, और वो करंट इधर से ही तो जाएगा, उसमें तो आएगा नहीं। तो दो पॉइंट मान लेता हूं, दिस इज एक्स एंड वाई, क्लियर। तो जो करंट फ्लो कर रहा हो कितना करंट? 2/3। यहां से भी करंट वही 2/3 होगा, करेगा। तो मैं क्या करूं? मैं सबसे पहले निकालूंगा वोल्टेज अक्रॉस दिस पॉइंट एक्स एंड वाई, क्योंकि जो वोल्टेज एक्स वाई के बीच में होगी वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी, वही वोल्टेज इसके अक्रॉस होगी, इसके, इसके और इसके, तो तीनों आपस में पैरेलल तो है नहीं। तो इसके अक्रॉस मैं वोल्टेज निकालता हूं, वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड वाई, और जो कि किसके इक्वल होगा? दिस रेजिस्ट करंट एंड दिस रेजिस्टेंस, इन दोनों वोल्टेज और ना सॉरी करंट और इसका रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो वी इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो आई ये रहा, आर ये रहा, तो वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई हम निकाल देंगे सीधा सा। तो वोल्टेज अक्रॉस एक्स एंड वाई, ये कह सकते हैं, और वोल्टेज अक्रॉस
5 ओम रेजिस्टेंस, तो वो वोल्टेज कितनी हो जाएगी I इनटू R, I कितना है 2/3 और R कितना है 5, तो ये आ जाएगा 10/3 वोल्ट। तो वोल्टेज अक्रॉस X एंड Y कितना आ गया 10/3, क्लियर। इसका मतलब इन दोनों के अक्रॉस भी 10/3 है और इन दोनों के अक्रॉस भी 10/3। अब मुझे निकालना है इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है और इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। अब वोल्टेज आपको याद होगा, वोल्टेज V इनवर्स टू C होती है ना, यानी कि V इक्वल टू क्यू बाई सी पढ़ते हो, तो यहां जो V आएगी वो इनवर्स टू क्या होती है, सी होती है। अगर हमें वोल्टेज निकालनी किसी भी एक में, इसमें निकालनी है, तो अगर मैंने आपको डायरेक्ट पे फॉर्म लिखवा रखा था जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थे उसमें, कि अगर किसी इसमें अगर क्या निकालनी वोल्टेज निकालनी डायरेक्ट या इसमें अगर वोल्टेज निकालनी डायरेक्ट, तो क्या होगी बेटा, इनवर्स टू कैपेसिटेंस मींस वोल्टेज डिवाइड इनवर्स रेशियो, वोल्टेज डिवाइड अक्रॉस कैपेसिटर्स इन इनवर्स रेशियो, इन इनवर्स रेशियो। और इनवर्स रेशियो क्या था बेटा, ये आपको याद करने के लिए बता रहा हूं, आप पेपर में फिगर इसको, वो क्या होगा बेटा, यानी सारी बातें जो यहां से लेकर यहां तक है, इसका मतलब मुझे अगर इसमें वोल्टेज निकालनी है तो V1 वो वोल्टेज है, दिस इज इक्वल टू C2, C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 और इन टू V टोटल वोल्टेज। और अगर आपको निकालना है V2 तो उसका इनवर्स मीन्स C1 ओवर C1 प्लस C2 और इन टू V, बस इन डायरेक्ट इन दोनों को फॉर्मूलो को डायरेक्ट आंसर में रख दो, यानी कि फॉर्मूली जो दे रखी है क्वांटिटी सब इसमें पुट कर दो, तो V1 कितना होगा C2, C2 कितना है 3 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5 मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज कितनी है टोटल 10/3 कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 वोल्ट। V2 कितना आ जाएगा, C1 कितना है 2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा 5 और V कितना है 10/3 कितना आ जाएगा 4/3। अब इन दोनों को ऐड करके देख लिया करो, तीन दोनों क्या हुआ 6 6 4 10 10/3 टोटल वोल्टेज कितना है 10/3, तो इसमें आ जाएगी 2 वोल्ट, इसमें आ जाएगी 4/3 वोल्ट। समझे बात, ये अच्छे से याद रखना, डायरेक्ट आपको निकालना पड़ जाए वोल्टेज दूसरे से आप निकालना, नहीं तो बहुत बड़ा होगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है, कितनी आ जाएगी 6 6/5 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिर उसके बाद हमारे पास वोल्टेज कितने 10/3, इसके अंदर क्या निकालेंगे चार्ज निकालेंगे, फिर चार्ज निकाल के क्या निकालनी पड़ेगी वोल्टेज क्यू बाई सी। तो आप सीधा काम करो ना, ये वोल्टेज निकालो पहले, इसकी वोल्टेज आएगी, ये वोल्टेज आएगी, अब चार्ज निकालो उसके ऊपर, फिर आते हैं कितनी वोल्टेज आएगी बताओ 2 4/3। अब निकालो चार्ज, चार्ज अक्रॉस सी वन, चार्ज अक्रॉस सी वन, दिस इज इक्वल टू क्यू वन, क्यू वन क्या जाएगा सी वन इंटू वी वन, तो Q1 is equal to C1, C1 हमारे पास कितनी है 2, V1 कितनी है 2, कितना आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम, माइक्रो फैराड है तो माइक्रो कूलम। ऐसे क्या निकाल दोगे Q2, C2 into V2, V2 कितना है 4/3, कितना आ जाएगा 4 माइक्रो कूलम। तो Q1 आ गया 4, Q2 भी आ गया 4, क्योंकि दोनों है सीरीज में, तो सीरीज में होगा तो चार्ज क्या होगा सेम, सीरीज में चार्ज क्या होता है सेम, तो 4 इसमें आएगा और 4 इसमें आएगा, क्लियर। अब आप क्या निकालनी थी, एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, तो एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस C1 एंड C2 कितनी आएगी, एनर्जी स्टोर्ड जो होगी वो कितनी आएगी, हम मान लेते हैं पहले C1 में कितनी हो जाएगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, तो C1 V1 स्क्वायर
V1 कितनी है 2, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कैंसिल कितना आएगा 4 माइक्रो जूल। U2 कितना आएगा हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C2, C2 क्या है 3 इंटू V2 का स्क्वायर, V2 क्या है 4/3 यानी कि 16/9 कितना जाएगा 2/16 ये हो जाएगा 3 × 9 एंड 8/3 माइक्रो जूल। तो ये आ जाएगी एनर्जी स्टोर। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे किसी भी एग्जाम में आपसे बैठ जाना आरसी सर्किट के अंदर कि चार्ज कितना होगा, वोल्टेज कितना होगा, एनर्जी स्टोर कितना होगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है आरसी सर्किट का, ठीक है। और करवाता हूं इसमें क्वेश्चन, पहले आप इसको नोट करें एक बार, फिर और करवाता हूं आपको मैं। हो गया, चलो देखो। ऐसे ही मान लो आपको एक क्वेश्चन और दिया गया है। क्या क्वेश्चन है मान लो, जैसे ये है हमने दो बैटरी ले ली, ठीक है। इस बैटरी का वोल्टेज है 5 वोल्ट, इसकी है 3 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, ये रेजिस्टेंस है 1.5 ओम, ये रेजिस्टेंस है 3 ओम और ये कैपेसिटेंस है 2 माइक्रो फैराड। वही निकालना से चार्ज वोल्टेज एंड एनर्जी स्टोर्ड। तो मैं काम करता हूँ चार्ज और वोल्टेज निकाल देता हूँ, एनर्जी स्टोर्ड आप निकाल लेना अपने यहाँ, तो वही करना है फाइंड फाइंड चार्ज एंड वोल्टेज एक्रॉस कैपेसिटर आफ्टर स्टडी स्टेट, आफ्टर स्टडी स्टेट। अगर आपको नहीं भी कहे ना स्टडी स्टेट, तो आपको स्टडी स्टेट में ही निकालना होता है, नहीं भी बताए तो भी। तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले ये 1.5 है, ठीक है। तो भाई सबसे पहले आप ये देखो कैपेसिटर यहां जुड़ा हुआ है, तो यहां जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब स्टडी स्टेट में इसके थ्रू करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये रेजिस्टेंस काउंट नहीं होगा, ओनली जो करंट होगा वो करंट आ जाएगा यहां। अब देखो दो दो बैटरी है, दोनों प्लस से प्लस कनेक्ट है, इसका मतलब अपोजिट पोलैरिटी कनेक्टेड है, तो करंट किसके कारण फ्लो करेगा 5 वोल्ट के कारण, तो वो करंट ये आएगा, दिस करंट आई इधर से चला जाएगा, ठीक है। इसमें से करंट आई है, तो पहले डायग्राम बनाना वो, उसके बाद मैंने आंसर स्टार्ट कर दिया, आपको अलग डायग्राम बनाना है। तो अब बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हुआ सर्किट का, है तो पूरी सर्किट सीरीज में ही, ठीक है। तो इस सर्किट का करंट जो होगा आई, सीधा निकाल देते हैं टोटल वोल्टेज, अब वोल्टेज कितनी है प्लस से प्लस कनेक्ट है, अपोजिट पोलरिटी है, अपोजिट पोलरिटी है तो क्या होगा बेटा 5 − 3 कितना हो जाएगा 2, और अगर फिर भी आपको दिमाग में लगे अपोजिट है नहीं है क्या है, तो आप सिंपल सा इसमें किरचॉफ्स रूल से सॉल्व कर सकते हो। जैसे ए पॉइंट मान लो, ये पॉइंट बी मान लिया, ये सी कर दो, ये डी कर दो, इसको ई लिख दो, इसको एफ लिख दो, तो आप ये लूप ले लें ए बी सी डी ए, अपने आप करंट आ जाएगा। अगर आपको लगे कि मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालूं, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, घटेगी वोल्टेज या नहीं घटेगी, तो आप किरचॉफ्स रूल ले लो। तो इन द लूप ए बी सी डी ए अकॉर्डिंग टू या फ्रॉम किरचॉफ्स रूल इन क्लोज लूप, किसमें बेटा ए बी सी डी ए, तो ए से बी कुछ नहीं, बी से सी जाओगे प्लस से माइनस, प्लस से माइनस क्या होता है माइनस, तो -3 हो गया। उसके बाद हम जा रहे करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज जो आते हो क्या आती है माइनस आती है, और आई इंटू आर, तो 1.5 इंटू क्या हो जाएगी आई, 1.5 इंटू आई। उसके बाद फिर से करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं,
तो फिर से क्या आएगा, माइनस आई इंटू 0.5, माइनस 0.5 इंटू आई, फिर आए नेगेटिव से पॉजिटिव, क्या आएगा पॉजिटिव प्लस 5, और वापस ए पे पहुंच गए, इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 तो 2 हो गया, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और उधर जाके प्लस के 2 हो गए प्लस 2 आई, तो यहां से आई अपने आप आ गया ना कितना 1 एम्पियर। तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं निकालना, आपको सीधा से किरचॉफ रूल लगाना है, यहां से करंट अपने आप फाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद हमें क्या निकालनी है, हमें इसके अक्रॉस वोल्टेज और चार्ज निकालना था, कैसे करोगे, फिर वही बात है, हम इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल देते हैं अक्रॉस बीसी या फिर अक्रॉस एडी, तो चाहे अक्रॉस एडी निकाल दो चाहे अक्रॉस बीसी निकाल दो, और चाहे ई एफ वोल्टेज अक्रॉस क्या आएगी सेम आएगी, तो हम इसके अक्रॉस सीधा निकाल ले सकते हैं, तो मैं बी और सी के अक्रॉस निकाल सकता हूं या ए और डी के अक्रॉस निकाल सकता हूं, फिर वही किरचॉफ रूल से। तो वोल्टेज अक्रॉस बीसी कैसे निकालते हैं, बी और सी के बीच में कैसे निकालेंगे, रेजिस्टेंस अकेला होता तो 1.5 इंटू आई निकाल के सोल्व हो जाता, लेकिन इसी के साथ एक बैटरी भी जुड़ी हुई है, तो बी और सी के बीच की इक्विवेलेंट जो वोल्टेज होती है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, वो भी किरचॉफ रूल से आप निकालोगे सबसे आसान मेथड से, कहां से कहां चलो, बी से सी या फिर सी से बी, एज यू विश, जहां से आप चल सकते हैं। तो बी से स्टार्ट हम करेंगे, वी बी कहां जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, प्लस से माइनस, माइनस हो गया कितना 3, उसके बाद इसका और इसका प्रोडक्ट क्या, माइनस माइनस 1.5 इंटू आई और इज इक्वल टू वीसी, तो वीपी माइनस वीसी कितना आएगा बेटा, वीपी माइनस वीसी आ जाएगा 3 प्लस 1.5 इंटू आई, आई कितना है 1, तो कितना जाएगा सीधा से ये आ जाएगा 4.5 क्या वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास वीपी माइनस वीसी बी और सी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 4.5 है, या ए और डी के बीच की कितनी है 4.5 है, या ई और एफ के बीच की कितनी है 4.5 है, तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एडी बीसी एंड ईएफ, सभी के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब आप बताएं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी आएगी, ये तो आएगी सेम, कितनी, इसमें तो वोल्टेज ड्रॉप होगी नहीं, इसमें वोल्टेज ड्रॉप क्यों नहीं होगी, क्योंकि करंट जीरो है, करंट जीरो है तो आई इंटू रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट भी क्या होगा जीरो, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 2 माइक्रोफेराड भी कितनी आएगी 4.5। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, एक कैपेसिटर इसके अंदर इज इक्वल टू 4.5 ओके। अब आपको निकालना है चार्ज, तो चार्ज क्यू इक्वल टू सी वी, क्यू सी हमारे पास कितना है 2, वोल्टेज कितना है 4.5, तो कितना आ जाएगा 2×10 इन कितना आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 9 माइक्रो कूलम, ठीक है। तो चार्ज इसके अंदर जो स्टोर होगा वो कितना आएगा 9 माइक्रो कूलम, और एनर्जी स्टोर निकालनी है तो हाफ सी एंड वी का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय 2 सी कुछ लगा सकते हो आप, या हाफ क्यू इंटू वी एज यू विश, जो फॉर्मूला लगा आप उसमें लगा सकते हो। तो ये एक और न्यूमेरिकल हो गया आपका आरसी सर्किट का, आई होप मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से, ठीक है बेटा। चलो एक और करते हैं, देखा मिटा दें, एक और करते हैं न्यूमेरिकल, फिर आपका मैं मुझे लगता है कि आप कोई भी न्यूमेरिकल इसमें कर सकते हैं इस टाइप से। देखो क्वेश्चन है, थ्री माइक्रो फैराड कैपेसिटर है, एक रेजिस्टेंस है, फिर एक कैपेसिटेंस है, उसके बाद एक रेजिस्टेंस है,
उसके बाद एक कैपेसिटर है, एक और भाई, उसके बाद एक रेजिस्टेंस है, फिर एक कैपेसिटेंस लगा दी इसमें, फिर एक बैटरी लगा दी, फिर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। इस तरह से सर्किट है। और यहां पे ये है 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये 1 ओम, बैटरी है 10 वोल्ट, ठीक है। कैपेसिटेंस इसने रखे आइडेंटिकल, सेम रखे हैं, हम आइडेंटिकल नहीं लेंगे, उसको अलग कर देते हैं। तो मान लो C1 जो है वो 3 है, C2 जो है वो 2 मान लेते हैं, ये आ गया C3, C3 मान लेते हैं 1 माइक्रोफेरा, C4 इसको मान लेते हैं 2 माइक्रोफेरा, ये इसमें दे रखे हैं, ठीक है। अब हमें इसमें से वही काम करना है कि भाई कैपेसिटर के थ्रू कितना चार्ज स्टोर होगा, कितनी वोल्टेज आएगी, कितनी एनर्जी स्टोर होगी हर एक कैपेसिटर के अंदर, फाइंड वोल्टेज चार्ज एंड एनर्जी स्टोर एक्रॉस इस कैपेसिटर, एक्रॉस इस कैपेसिटर। तो आप पॉज करके और करके देखिए, देखिए ट्राई करो। तो बेटा क्या आपने कुछ नहीं है, चलो देखो आप किससे निकालेंगे हम। सही कंडीशन वही आफ्टर स्टडी स्टेट, आफ्टर स्टडी स्टेट करना वही है इसमें भी। तो सबसे पहले क्या निकालोगे उसमें, सबसे पहले निकालेंगे करंट। अब करंट कहां कहां फ्लो करेगा, बैटरी ये है, तो यहां से बैटरी से करंट गया आई। अब यहां कैपेसिटर हो गया, इसमें करंट नहीं जाएगा, ये कैपेसिटर इसमें करंट नहीं जाएगा, तो ये करंट जाएगा इसमें से, यहां से बस ये करंट आएगा, ठीक है। तो कितना करंट होगा, तो करंट होता है नेट वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है 10, एक ही बैटरी बस, डिवाइड बाय वोल्ट कितना रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इस वायर में कितना रेजिस्टेंस है वो फाइंड कर लो। तो इस वायर में 4 ये है और एक ये है, दोनों सीरीज में होंगे, एक के वायर में पूरा पूरी ये कंटिन्यू की करंट फ्लो कर रहे हैं दोनों में, तो सेम करंट अगर फ्लो करता है तो क्या होते हैं सीरीज में, तो 4+1 कितना हो जाएगा 5। तो इसमें आ जाएगा करंट वायर वो आ गया 2 एम, ठीक है। तो करंट हमें पता चलेगा। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है वोल्टेज सभी के क्रॉस और चार्जेस और एनर्जी स्टोर। तो भाई एक काम करते हैं, वही काम मान लेते हैं कि भाई इसके क्रॉस में नहीं निकाल सकता वोल्टेज, मैं या तो इसके क्रॉस वोल्टेज निकाल सकता हूं, ये इसके क्रॉस निकाल सकता हूं, इसके क्रॉस डायरेक्ट नहीं निकाल सकता मैं। तो भाई पॉइंट सबसे आसान रहेगा इसके क्रॉस निकाल लें, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगी आई इंटू आर। तो वोल्टेज एक्रॉस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी आई इंटू आर, आई कितना है हमारा 2 और आर कितना है 4, कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। अगर आपको इसके एक्रॉस निकाल के देखें अभी कैसे निकालते हैं तो मैं बता देता हूं, फिर भी रिवाइज हो जाएगा। कहां से चलना है मुझे, यहां से चलना है इसके एक्रॉस, तो कितना हो जाएगा प्लस से माइनस, यानी कहां से स्टार्ट करूं मैं, ये पॉइंट क्या मान लेता हूं, ए पॉइंट मान लेता हूं, ये पॉइंट मान लेता हूं, बी पॉइंट मान लेता हूं। तो क्या करें, वी ए ठीक है प्लस से माइनस, माइनस 10, करंट से अपोजिट जा रहे हैं तो प्लस हो जाएगा आई इंटू आर, आई कितना है 2 और इंटू 1 इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना आएगा 8 ही तो आएगा, माइनस 8 उधर जाएगा प्लस 8। तो आप ऐसे भी कर सकते हो और सर सीधा जो आपने ऊपर दे रखा है तो सीधा उसे निकाल देते हो, आप दोनों सब काम कर सकते हैं। तो वोल्टेज आ गई, और जब इसके क्रॉस वोल्टेज पता चल गया तो यही वोल्टेज इसके क्रॉस होगी, वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगी, वही वोल्टेज इसके क्रॉस होगी, तो दिस इज
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस EF XY CD एंड AB, ठीक है। तो भाई इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? अब ये वोल्टेज है टोटल कितनी? 8। तो भाई इसमें वोल्टेज कैपेसिटर वोल्टेज किस तरह डिवाइड होती है? मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल के अंदर करवाया था इनवर्स रेशियो में, वोल्टेज डिवाइड वोल्टेज डिवाइडेड अक्रॉस कैपेसिटर इन इनवर्स रेशियो। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? वोल्टेज अक्रॉस C1, वोल्टेज अक्रॉस C1 दिस इज V1, कितनी आ जाएगी बेटा? दिस इज C2 ओवर C1 प्लस C2 पर इनटू V, ये मैंने आपको करवाया। तो C2 कितना हो गया? 2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 कितना हो गया? 5, ठीक है। और भाई मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज कितनी? 8, तो ये आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 5 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद वोल्टेज अक्रॉस C2, C2 क्या आ जाएगी? V2, V2 क्या बन जाएगी? C1 ओवर C1 प्लस C2 इंटू V। तो C1 कितना है हमारा? 3, 3 बाय 5 इंटू 8 कितना आएगा? 24 बाय 5। इन दोनों को ऐड करके देखो, ऐड करके देखोगे 8 वोल्ट आना चाहिए, 8 वोल्ट आएगा, 40 डिवाइड बाय 5 8, ठीक है। तो हमने इसके अक्रॉस भी निकाल दिया, इसके अक्रॉस भी निकाल दिया। उसके बाद इसके अक्रॉस निकालना है, इसके अक्रॉस निकालना है। तो CD के अक्रॉस पे कितनी वोल्टेज है? 8 वोल्ट है, ऐसे ही इसमें निकाल दो। तो C3 के अक्रॉस कितनी आ जाएगी? इतना नोट करें जल्दी से बार। तो वोल्टेज अक्रॉस C3 V3 कितना आ जाएगा? C4 डिवाइड बाय C3 प्लस C4 और इनटू V, यानी ये डिवाइड बाय टोटल और इनटू नेट वोल्टेज। तो C4 कितनी है? 2 डिवाइड बाय इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 3 और मल्टीप्लाई बाय नेट वोल्टेज कितनी है? 8। तो कितना आ जाएगा? 16 डिवाइड बाय 3। ऐसे निकाल दोगे V4 कितना आ जाएगा? C3 ओवर C3 प्लस C4 इनटू V। C3 कितना है हमारा? 1 डिवाइड बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा? 8 बाय 3। 8, तो कितना आ जाएगा? 8 बाय 3। ऐड करके देखो कितना आ जाएगा सर भैया? 16 और प्लस 8 24 डिवाइड बाय 3 कितना आ जाएगा? 8। तो इसका आंसर कितना आ गया? 8 बाय 3। तो वोल्टेज निकाल दिया हमने, अब वोल्टेज निकाल देते हो, चार्ज निकाल सकते हो, इसके अक्रॉस सभी के अक्रॉस चार्ज निकाल सकते हो। तो मेन काम तो वोल्टेज का था, अब आगे आप सब निकाल सकते हैं अपने आप। Q1, Q2, Q3, Q4, Q1 क्या आ जाएगा? C1, V1, Q2 क्या आ जाएगा? C2, V2, Q3 क्या आ जाएगा? C3, V3, ठीक है। ऐसे ही आप निकाल सकते हो Q4, C4, V4। तो ये कितना आ जाएगा? C1 कितना है? 3। V1 वोल्टेज कितनी है हमारी? V1 आई थी 16 डिवाइड बाय 5, तो आ जाएगा 48 डिवाइड बाय 5 क्या? माइक्रो कूलम। ऐसे ही आगे निकाल लेना। C2 कितना है? 2 और मल्टीप्लाई बाय V2, V2 कितनी है? 24 बाय 5 कितना आ जाएगा? 48 बाय 5 माइक्रो कूलम, ठीक है। ऐसे निकाल दोगे Q3, ऐसे Q4, ये सब निकाल लेना चार्जेस। C3 आपको पता है इसकी वोल्टेज ये रही, C4 आपको पता है इसकी वोल्टेज ये रही, सब चार्जेस निकाल सकते हो। चार्ज निकालने के बाद उसका क्या निकालना? एनर्जी स्टोर्ड, हाफ C2 इसका C1, इसी की वोल्टेज, इसी की कैपेसिटेंस, इसी की वोल्टेज, ऐसे आप इनके क्या निकाल दोगे? एनर्जी स्टोर, ठीक है। उसके बाद सब की एनर्जी स्टोर निकाल लेना, ठीक है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट था आरसी सर्किट का, जो मैंने आपको कंप्लीट अच्छे से करवा दिया है। मैं कैसे आपको ढंग से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक नंबर के मार्क को दे देता हूं, जिसमें आप खुद ट्राई करना करने की, ये मिटा देता हूं मैं।
ट्राई करना स्टार्ट करने की। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है बेटा, एक ये कैपेसिटर है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये कैपेसिटर है, उसके बाद एक ये रेजिस्टेंस है, एक ये रेजिस्टेंस है, एक बैटरी है, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस किसने दे रखा है? 4 वोल्ट की बैटरी है, 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस। बात एक ही, रेजिस्टेंस एक हाथ जोड़ दे से उसमें दिखा दे इसके साथ, बात एक ही होती है। इंटरनल रेजिस्टेंस भी सर्किट में ही जुड़ता है। ये 3 ओम है, ये 1 माइक्रोफेराड है, एक 2 माइक्रोफेराड है। आपको वही निकालना से चार्ज वोल्टेज एंड एनर्जी स्टोर्ड अक्रॉस इज कैपेसिटर। कॉपी करें क्वेश्चन अपने आप, सॉल्व करो उसको खुद करके देखें बार, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, ये भी करके देखना है बार। सेम वही इस कैपेसिटर के अंदर चार्ज वोल्टेज एंड एनर्जी स्टोर आपको निकालनी है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, नहीं आए तो मेरे को बताना, ठीक है। तो अच्छे से सभी क्वेश्चन को करके देखे बेटा, ये 2 आप क्वेश्चन कर दोगे तो आप सभी क्वेश्चन को कर पाएंगे। बहुत आसान है कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे बेटा हम मीटर ब्रिज और उसके क्वेश्चन, उसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बेटा, खुश रहो।